नजरबंदी के दौरान गिड़गिड़ाने वाला अलगावादी नेता गिलानी का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर जोरों से हो रहा है वायरल। आज सोशल मीडिया पर जब नजर पड़ी तो फेसबुक पर एक वीडियो बहुत जबरदस्त रूप से वायरल होता दिखाई दिया, जिसमें कश्मीर के अलगावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को नजरबंद करके रखा गया है और वह बाहर खड़े फौजियों से दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जिसमें गिलानी ये कहते हुए सुनाई दिए कि खोलो भाई, कहीं उड़के नहीं जाऊंगा, दरवाजा खोलो। देखने तो दुनिया को कि हिंदुस्तान में जमहूरियत का जनाजा कैसे निकल रहा है। वीडियो देखकर इन अलगावादी नेताओं की सोच पर बड़ी हैरत होती है। इच्छा करती है कि गिलानी जैसे नेताओं से पूछा जाए कि हिंदुस्तान जमहूरियत का जनाजा निकलता हुआ तब नहीं दिखाई दिया जब उनके उकसाने पर सैकड़ों युवा देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे फौजियों पर पत्थर बरसाते हैं, जब कश्मीरी युवा जेएनयू में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, तब क्यों जमहूरियत की याद नहीं आती। देश के टुकड़े कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अलगावादी नेताओं के साथ यदि शुरू से ही सख्ती बढ़ती जाती तो आज शायद कश्मीर का ये हाल ना होता। अब ये देखकर तो ये नहीं कहा जा सकता कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि देर लगी आने में उनको शुक्र है, फिर भी आए। तो इतनी सरकारों के आने और चले जाने के बाद आज जो केंद्र सरकार ने कर दिखाया है वह वाकई काबिले तारीफ है। एक सच्चे हिंदुस्तानी को वाकई अपने दिल पर हाथ रखकर केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती जाने वाली सख्ती की प्रशंसा खुलकर करनी चाहिए। जहाँ के नहीं जा सकते हैं जा सकते हैं, वहाँ दवा तो खोलो, हम कोई उधर थोड़े ही जाएंगे, उधर हम थोड़े नहीं जाएंगे, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का नतीजा जनाजा निकल रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का उसका जनाजा निकल रहा है।